अगर आपने अभी तक हमारा सैम गुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मंडे। आज हम बात करेंगे क्रोम ब्राउजर के बारे में। बात करेंगे हम अब क्रोम ब्राउजर में डिफॉल्ट सर्च इंजन वो कैसे बदल सकते हैं या कैसे सेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आप सभी क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, आप सर्च इंजन जिसमें डिफॉल्ट कैसे सर्च इंजन लगाते हैं हम वो आज बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ मालूम होगा तो वो अच्छा है, नहीं मालूम होगा आप मालूम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे क्रोम ब्राउजर पे। ये मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीन डॉट्स दिख रहे हैं। हम यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए बेसिक सर्च इंजन ये दिखा रहा है। हम यहाँ पे टैप करना होगा, हम यहाँ से टैप करेंगे उसे और यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट यहाँ पे गूगल का ही सर्च इंजन है। अगर आप याहू या बिंग का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से बिंग का करने की कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ से ये देखिए मैंने ये डिफॉल्ट मेरा सर्च इंजन किया। अब मैं बैक आता हूँ थोड़ी से और मैं यहाँ से अब यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखिए बिंग आ गया। ये देखिए यहाँ जो भी एप्लीकेशन है वो हमारा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो देखिए यहाँ पे बिंग आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ से। वैसे आपको अगर इसमें गूगल यहाँ से आपको याहू सेलेक्ट करने का है तो हम यहाँ से याहू सेलेक्ट करके भी देखेंगे। या सेटिंग में आएंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे याहू इंडिया सेलेक्ट करेंगे, बाद बैक आएंगे यहाँ से और हम अब यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये बिंग ही दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से पेज क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं अब कुछ डाल लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए अब देखिए याहू इंडिया अब यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसा करके हम यहाँ पे पेज को थोड़ा सा डिलीट करते हैं। बाद में हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे गूगल सर्च इंजन को डिफॉल्ट सिलेक्शन करेंगे उसका। ये हमने देखा कि जो तीनों ही याहू बिंग और गूगल ये तीनों भी सर्च इंजन हमने कैसे क्रोम ब्राउजर में डिफॉल्ट किए जाते हैं, उसे सिलेक्ट किया जाता है, हम उसके बारे में जानकारी लेने की पूरी कोशिश कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।